अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एन जे स्पीक में। एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे न्यूज़ीलैंड और इंडिया के दरमियान होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप मैच की। तो गाइस, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। दोनों टीमें अनबीटेबल थी और दोनों के आज पता लगना था कि पहले नंबर पे कौन रहेगी टीम, क्योंकि दोनों ज़बरदस्त खेल रही थी। वैसे तो पॉइंट टेबल के हिसाब से न्यूज़ीलैंड पहले नंबर पे थी और इसके बाद इंडिया दूसरे नंबर पे था, लेकिन आज के मुकाबले के बाद इंडिया ने जीत हासिल कर ली है और 4 विकेटों से ये जीत अपने नाम करी है और इंडिया पहले नंबर पे आ गया है। तो चलें आपको अपडेट देते हैं मैच के हवाले से। इंडिया ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया और ये फ़ैसला बहुत अच्छा साबित हुआ। न्यूजीलैंड का आगाज़ कुछ अच्छा ना हो सका और 9 रन पे पहली विकेट गिरी। मोहम्मद सिराज ने ये विकेट गिराई डेविन कॉनवे की। उसके बाद 19 रन पे दूसरी विकेट गिरी, ये पहले ओवर की पहली बॉल पे शामी ने विकेट गिराई विल योंग की 19 रन पे, और 2 खिलाड़ी आउट हो गए न्यूजीलैंड के। और बहुत ही स्लो स्टार्ट दिया न्यूजीलैंड ने। 8 ओवर 19 रन बनाए न्यूजीलैंड ने, और इतना स्लो स्टार्ट के बाद जब रचिन रविंद्रा और डेरल मिचेल ने इनिंग को संभाला तो बड़ा अच्छा आगाज़ हुआ। दोनों के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई और दोनों बहुत आगे तक लेके गए। रचिन रविंद्रा ने 75 रन्स बनाए, उनको भी मोहम्मद शामी ने आउट किया और मिचेल का एक कैच छोड़ा रविंद्र जडेजा की गेंद पर। शुभमन गिल ने 73 रन थे और उनको उस टाइम ये कैच छोड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ी, और मिचेल ने 130 रन बनाए। लेकिन ये बॉल टू बॉल रन्स बनाए थे और इतना अच्छा स्टार्ट नहीं दिया, यानी कि 127 बॉलों पे 130 रन बनाए। और उसके बाद जो दूसरी तरफ साइड पे थे प्लेयर्स, उन्होंने मिचेल का साथ नहीं दिया और बहुत स्लो चलते रहे। देखें, मैंने पहले ही बताया था कि अब तक के जो ये दोनों टीमें टॉप पर हैं इंडिया और न्यूजीलैंड, वो सिर्फ इस वजह से है कि उनका मिडल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। बाकी किसी टीम का भी मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, एंड टाइम पे धोखे दे जाते हैं सारे और आउट हो जाते हैं। और आज यही हुआ। आज भी जंग जो है ना मिडल ऑर्डर की थी और मिडल ऑर्डर न्यूजीलैंड का फेल हो गया। मिचेल के बाद कोई भी प्लेयर चल ही नहीं पाया। लथम ने 5 रन बनाए, 7 बॉले खेली। फिलिप्स ने बॉल टू बॉल रन बनाए, 26 बॉले खेली, 23 रन बनाए। चैपमैन ने 8 बॉले खेली, 6 रन बनाए। सेंटनर ने 2 बॉले खेली, 1 रन बनाए। इस तरह हेनरी भी 1 बॉल खेल के आउट हो गए। तो ये सारा जो गेम था ये मिडल ऑर्डर का था, और मिडल ऑर्डर न्यूजीलैंड का इस बार फेल हो गया, और ये फेलियर शामी की वजह से हुआ। शामी ने 5 विकेटें निकाल दी और न्यूजीलैंड को ढेर कर दिया। और जो आखिरी के 10 ओवर थे उसमें महज सिर्फ 54 रन्स न्यूजीलैंड बना सका। हालांकि वही सबसे अहम ओवर थे, वहाँ तकरीबन न्यूजीलैंड को 310 320 तक आराम से जाना था और जा सकते थे, क्योंकि 204 या 205 रन थे, 36वां ओवर था और 3 खिलाड़ी आउट थे, चौथी विकेट वहाँ गिरी। 13 ओवर यानी कि उनके हाथ में थे तकरीबन, और बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाए। 13 ओवर में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 60-70 रन बनाए और 274 रन तक पहुँचे। हालांकि अच्छा टारगेट बन सकता था न्यूजीलैंड का, 330-340 तक जा सकते थे। अगर 330-340 कर लेते तो फिर इंडिया का जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। तो चलें इंडिया की बॉलिंग के बारे में आपको बताते हैं। इंडिया की जानिब से बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर 45 रन दे के 1 खिलाड़ी को आउट किया, बड़े ज़बरदस्त ओवर कराए, रन्स को रोका। विकेट्स भले नहीं रही लेकिन रन्स को रोकना इन पिचों पे बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने भी 10 ओवर कराए, 45 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। और शामी सबसे बेस्ट रहे, 10 ओवर कराए, 54 रन दिए, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शामी ने एक और रिकॉर्ड बनाया है, वो इंडिया की जानिब से ऐसे पहले बॉलर बन गए जिन्होंने वर्ल्ड कप में 2 दफ़ा 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो ये शामी ने इंडिया की तरफ से अपने नाम रिकॉर्ड किया है। उसके बाद जडेजा ने 10 ओवर कराए, 48 रन दिए, कोई विकेट नहीं दी लेकिन रन्स रोके। उसके बाद यादव ने 10 ओवर कराए, 73 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। यादव एक्सपेंसिव रहे लेकिन विकेट निकाल ली, तो अच्छा परफॉर्मेंस थी बॉलर्स की, बहुत अच्छी बॉलिंग करी सब ने। और ये एक अच्छी बात थी कि वहाँ विकेट लेनी थी वहाँ विकेट मिली और न्यूजीलैंड को बहुत कम टोटल में रोक दिया। फिर जब इंडिया टारगेट चेस करने ग्राउंड में आया तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने इनिंग का आगाज़ किया।
इंडिया को आगाज़ बहुत ही ज़बरदस्त मिला और रोहित शर्मा ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया। 40 बॉलों पे 46 रन बनाए, 4 चौके और 4 छक्के मारे। ज़बरदस्त आगाज़ मिला। 71 रन पे रोहित शर्मा की पहली विकेट गिरी इंडिया की तरफ से। रोहित शर्मा की विकेट लोकी फ्रॉसन ने अपने नाम करी और महज 76 रन पे दूसरी विकेट भी गिर गई शुभमन गिल की, जिन्होंने 26 रन बनाए और ये विकेट भी फ्रॉसन ने अपने नाम करी। और शुभमन गिल ने भी इस मैच से एक और रिकॉर्ड बना दिया, अपने नाम कर लिया इंडिया की जानिब से। 2000 रन सबसे तेज तरीन बनाने वाले प्लेयर बन गए। 38 मैचेस में शुभमन गिल ने 2000 रन अपने कंप्लीट कर लिए। और इसके पहले हाशिम आमला ने 40 मैचों में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ था। तो शुभमन गिल ने 26 रन बना के ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया इस मैच से। उसके बाद रन चेज मशीन विराट कोहली, यार ज़बरदस्त प्लेयर हैं, हर मौके पे चलते हैं, जब भी इंडिया को ज़रूरत होती है तो क्या कयामत ढाते हैं। ये एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, जितनी तारीफ़ की जाए इस प्लेयर की कम है। सेंचुरी रह गई, डिज़र्व करते थे, आउट हो गए सेंचुरी के चक्कर में ही मारने के, वरना आउट नहीं होते, नॉट आउट रहते। सब आउट होते गए दूसरे हैंड से, लेकिन इस बंदे को कोई नहीं आउट कर सका। और ज़बरदस्त बैटिंग करी और इंडिया को जिताने में और अब तक के इस टूर्नामेंट में पहले नंबर पे लाने में विराट कोहली का बहुत बड़ा हाथ है। न्यूजीलैंड को मार देकर पहले नंबर पे आ गई है इंडिया, तो इसमें विराट कोहली का भी बहुत बड़ा हाथ है। बात करते हैं, 95 रन बनाए इन्होंने, 104 बॉलें खेली और 8 चौके और 2 छक्के लगाए। श्रेयस अय्यर ने 33 रन बनाए, इनका साथ दिया। फिर उसके बाद केएल राहुल आए, 27 रन बनाए 35 बॉलों पर। उसके बाद सूर्या कुमार यादव 2 रन बनाए, रन आउट हो गए। जडेजा ने साथ दिया, जडेजा की विकेट अगर जल्दी गिर जाती वो नॉट आउट रहे, 39 रन बनाए। अगर जडेजा जल्दी आउट हो जाते तो फिर सिचुएशन कुछ अलग हो सकती थी और हो सकता था कि न्यूजीलैंड गेम फंसा देता। जिस तरह मैंने बात करी, न्यूजीलैंड का मिडल ऑर्डर नहीं चल पाया, जिसकी वजह से स्कोर कम बना। और यहाँ भी आप देखें, तकरीबन तकरीबन सब ने 30-25 रन बनाए हैं इंडिया के मिडल ऑर्डर ने, तभी उनका गेम बन गया। यहाँ जंग मिडल ऑर्डर की थी और इंडिया का मिडल ऑर्डर जीत गया, न्यूजीलैंड का हार गया। इस वजह से इंडिया मैच जीत गई और न्यूजीलैंड मैच हार गया। ये बात थी सारी। बात करते हैं इनकी बॉलिंग की। बोल्ट ने 10 ओवर कराए, 60 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया, एक्सपेंसिव रहे। हेनरी ने 9 ओवर कराए, 55 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया, ये भी एक्सपेंसिव रहे। सेंटनर इनका वाहिद बॉलर है जो हर मैच में परफॉर्म कर रहा है और 40 के आसपास ही रन दे रहा है, कोई इससे ज़्यादा रन नहीं दे रहा। विकेट नहीं ले पा रहे, 1-2 विकेट ले रहे हैं मगर रन कम दे रहे हैं। मेन बात है इन पिचों पर रन कम देना, और जो कि वो कर रहे हैं। 10 ओवर कराए, 37 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। लॉकी फ्रॉसन ने 8 ओवर कराए, 63 रन दिए, एक्सपेंसिव रहे, 2 विकेटें अपने नाम करी। रविंद्रा ने 9 ओवर कराए, 46 रन दिए, कोई विकेट ना ले सके। और इस तरह फिलिप्स ने भी 2 ओवर कराए, 22 रन दिए, कोई विकेट ना ले सके। तो मैन ऑफ द मैच शामी को दिया गया, जिन्होंने 5 विकेटें हासिल करी और ज़बरदस्त अपने नाम करी ये विकेटें और ज़बरदस्त इंडिया को मैच जिताया। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।